खबर यह है कि क्वेटा में पीडीएम का 25 अक्टूबर को जो जलसा होना है उसका मकाम अब तब्दील कर दिया गया है। हॉकी चौक में ये पहले जलसा होना था, अब अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में ये होगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर मकाम तब्दील किया गया है। इसी से मुतालिक बात करेंगे, मुजीबुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। मुजीब, गुज़श्ता रोज़ थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि नेक्टा की जानिब से जो थ्रेट अलर्ट क्वेटा और पिशावर के लिए जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कालामंद तंजीम जो है वो दहशतगर्दी के हमलों में सियासी जो फुल जो जो शख्सियात है उनको दहशतगर्दी के हमले में निशाना बनाने का मंसूबा रखती है, जिसके पेश नजर जो है वो अब हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है वो अपोजिशन के जो पीडीएम का जो जलसा जो 25 अक्टूबर को क्वेटा के हॉकी चौक पर मुनक्किद होना था, उन्हें अब अयूब स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड फराहम कर दिया गया है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हम अपोजिशन के पीडीएम के जो जलसा है जो क्वेटा में 25 अक्टूबर को होगा उसका हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे। पीडीएम में शामिल अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमती जो पेशकश है वो कबूल करते हुए अब जलसा अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद करने का भी फैसला कर लिया है। ठीक, जलसागाह की जगह तब्दील कर दी गई है। और मुजीबुल्ला हमें बताते, मुजीब आपका बेहद शुक्रिया।